75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया है। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि भारत ने आजादी की अपनी एक लंबी लड़ाई के उपरांत स्वतंत्र भारत में अपना स्वयं का संविधान लागू किया। 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद इस वर्ष हम सब अपने गणतंत्र का अमृत वर्ष मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान विदों और विशेषज्ञों के अनुसार हमने देश में संविधान लागू किया जो पिछले 74 वर्षों से भारत में जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र या अन्य तमाम अवरोधों को समाप्त करते हुए पूरी तरह से कसौटी पर खरा उतरा है। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के रूप में स्थापित अन्य तमाम देश जो अपने को सबसे प्रगतिशील मानते हैं, उन्होंने लंबे समय के तक अपने लिंग भेद में के आधार पर महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया, तमाम दबी कुचली परंपराओं को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग किया था। लेकिन यह भारत के संविधान की महानता है कि भारत दुनिया का वो देश है जिसने संविधान लागू करने के साथ ही इन बातों को भी सुनिश्चित किया था कि देश के अंदर लिंग, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होगा। देश में प्रत्येक वयस्क मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग है और पूरा अधिकार करने का भी अधिकार है। माँ भारती की शान है बेटिया, हर क्षेत्र का सम्मान है बेटिया। कुमारी साक्षी सिंह और इस टोली के इंचार्ज है अरविंद सिंह और देवेंद्र विद्यालय राजभवन लखनऊ का बैंड, राजभवन स्थित स्कूल के ये बच्चे उचित संस्था के साथ जुड़े हैं। इन बच्चों को पहली बार बैंड की गई है। स्थापना श्री राम मंदिर प्रदर्शित की जा रही है।